एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उनकी चिंता यह थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। जो ट्रेडर है आप कहते हैं पैन कार्ड से खरीद करेगा तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार कर सकती है। पराली के वाले में हम लोगों ने कहा कि भाई वो जो ऑर्डिनेंस है उसका हम समुचित समाधान आपके हिसाब से करेंगे। बिजली के मामले में उनका जो आग्रह था तो उस मामले में भी हम लोगों ने उनको कहा कि भाई कुल मिला के जैसी व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था रहेगी और हम लोग उस दिशा में बातचीत करेंगे। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। क्या किसानों ने अपनी तरफ से कि बिल वापस होगा तभी बातचीत आगे बढ़ेगी? टिकैत जी का भी आज एक वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ा सरकार पीछे हटे थोड़ा हम, वो बिल वापस लेंगे हम घर वापस जाएंगे। आपको लगता है जो आपने इतने समाधान दिए हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून मैं जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करने करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। सर, संसद में पास होने के बाद कार्यकाल ले सकती है और अगर ले सकती है उसका कोई प्रोविजन है? और इससे महत्वपूर्ण सवाल कि सरकार क्या सोचना भी चाहती है कि इनमें से कोई कानून वापस हो जाए? नहीं, देखिए सवाल इसका है कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें फायदे की खेती कर सकें इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार तैयार है, डेट लेंगे क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है पर आम आदमी के प्रति भी है जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से। अब तो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई करेंगे अपनी इस एजिटेशन को। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूँ कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है, सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा
जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।